अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नमस्ते। अरे आइए आइए। नमस्ते। बड़ी देर कर दी आने में। हम तो आ गए लेकिन दूल्हा दुल्हन कहाँ है? लो आ गए दूल्हा दुल्हन। किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। बड़े प्यारे लग रहे हो तुम दोनों साथ में। एक बात कहें कृष्णा, तुम्हारी सादगी तुम्हारा गहना है। तभी तो देखो इतना सिंपल तैयार होने के बाद भी सबसे खूबसूरत लग रही हो तुम। कैसी मासूमियत है ना कृष्णा के चेहरे पर। लगता नहीं गौरी छोटी बहन है, छोटी तो ये लगती है। गौरी ये क्या, महीने भर का मेकअप एक बार में ही लगा लिया है क्या? ये कृष्णा को देख जरा, आज उसकी सगाई है फिर भी कुछ तामझाम नहीं किया, कितनी सादगी में। वो कृष्णा की पसंद है दादी, उसकी मर्जी है और ये हमारी मर्जी, हमारी पसंद है, ऐसी बातें कर रही है। अरे भाई ये सगाई ऐसी रूखी सूखी होगी क्या भाई? गाना बजाना शोर शराबा होना चाहिए। चलो भाई लगाओ म्यूजिक। वैसे ये नजारा तो मैं भी देखना चाहता था कि पूरे गांव के सामने जब इन लोगों की बेइज्जती होती तो इन लोगों का चेहरे का रंग कैसे उड़ता। पूरे गांव को खाने का न्योता देने के बाद घर में एक अन्न का दाना नहीं है इनके पास। तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो रुद्र? मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। मर्दा, प्लीज तुम इन सब में मत पड़ो। तुम जो कर रहे हो वो गलत है कि जानते हुए भी मैं बीच में ना पड़ूं? रियली मैं गलत कर रहा हूँ और जो इन लोगों ने गोपी के साथ किया वो सही था। देखो किसने किसके साथ सही किया और किसने किसके साथ गलत वो सब मैं नहीं जानती। तुम्हें याद है ना कि गोपाला कैसे ये घर छोड़कर गई थी? गोपी, गोपाला हमारी बात सुनो। गोपी शांति से एक बार हमारी बात तो सुन लो। गोपाला, गोपाला ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। तुम जानती हो ना कि रुद्र तुम्हें कितना प्यार करता है। प्लीज उसे मौका दो, वो अच्छे लड़कों की लाइन लगा देगा तुम्हारे लिए। एक बार उसकी बात सुन लो। प्लीज हमारे लिए एक बार उसकी बात सुन लो। छोड़िए हमारा हाथ बुआ जी, हमरे मामले में ना दखलदाजी ना करे तो बेहतर है। हमारे लिए कहा सही है और कहा गलत है हमें अच्छी तरह से पता है। हम कोई दूध पीती बच्ची ना है, इसलिए हटिए अपने रास्ते से। गोपी मेरी बात, तू अज्जू के लिए घर छोड़ के ठीक नहीं कर रही, वो सही लड़का नहीं है। अरे तू मुझे मौका दे, मैं एक से बढ़ के एक रिश्ते लेके आऊंगा तेरे लिए। तुझे जो अच्छा उसे हाँ बोला, लेकिन अज्जू ने उसके साथ कभी खुश नहीं रहेगी, वो सही नहीं है तेरे लिए। जो सही और गलत का ज्ञान हमें आप दे रहे ना इसे मत दीजिए, और ये बड़े भाई होने का जो हक जता रहे ना वो मत जताइए, क्योंकि शायद आप भूल रहे हैं आप हमरे असली भाई ना है, सौतेले भाई है। गोपाला! बुआ जी! अब तुमने अपनी हद पार कर दी। तुम किसे सौतेला कह रही हो? हाँ इसे सौतेला कह रही हो जिसने तुम्हारे अनाथ होने पर माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। इतनी कम उम्र में तुम्हारे लिए माँ और बाप दोनों बना, तुम इसे सौतेला कह रही हो?
हाँ हम कह रहे एक शब्द नहीं। गुम, एक मिनट, मैं समझा। रुद्र। गोपी, गोपी देख, मैं तेरा भाई हूँ। मुझे सिर्फ 4 दिन दे, मैं 4 दिन में प्रूव कर दूंगा कि वो लड़का तेरे लिए सही नहीं। वो गुंडा है, मवाली है, तू कभी उसके साथ खुश नहीं रहेगी। देख, मैंने माँ से वादा किया था, मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगा, कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा तेरे साथ। माँ, हम सबको छोड़कर चली गई है भैया, बहुत दूर चली गई है, और उसके साथ साथ उनसे यह हुआ वादा भी। रख लिया ना, जितना ध्यान आपको हमरा रखना था रख लिया आपने, बस अब हम अपना फैसला खुद लेना चाहते हैं, क्योंकि हम बालिक हैं। नहीं, अब नहीं, अब आप हमरे रास्ते पे नहीं आएंगे। गोपी, गोपी, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी बहन के लिए तुम्हारा प्यार गलत है, पुलिस भी तो अपना काम कर रही है ना, उनके पास भी कुछ गवाह है, कुछ सबूत है जिनको ध्यान में रखकर उन्होंने उसको जेल में डाला होगा, है ना? अच्छा बरखा, एक बात बताओ, अगर गोपी की जगह हमारी बेटी राधा होती तब भी तुम यही बात करती? तब भी तुम कहती कि सब कुछ कानून के भरोसे छोड़ दो? मैं राधा को कभी ऐसी जगह होने ही नहीं दूंगी, वो गोपाला जैसे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, जो बिना किसी का ख्याल के घर छोड़कर निकल जाए, सिर्फ अपनी जरूरत पड़ने पर हमको याद करे। मैं मानता हूँ कि गोपी से गलती हुई है, लेकिन अभी उसे मेरी मदद चाहिए, और भाई होने के नाते मैं उसकी मदद करूंगा। बात खत्म। अब आएगा मजा। तेरी नजर के जादू ने बदमाशियों में घेरा, मेरी रातों में तू शामिल है, मेरा तू ही है सवेरा। मैं भूल गया सब कुछ मेरा, हो मेरी यारा वे, मेरी यारा वे। अब देखिए नथ दंगल प्ले पर टीवी से पहले।